चलते हैं मेरे बंधुओं इस फ्रांसी सुजाता रिकॉर्डिंग सेंटर के माध्यम से बाबा जहारवीर के जन्म का वॉल्यूम नंबर 2। तो जिस समय राजा की नजर से नौलखा बाग सूखा कुआ के जहर जल हुए नाना प्रकार से, राजा जेवर सिंह नौलखा बाग में रोधन मचाते हैं। आज जब रानी बाछिल ने देखा तो रानी बाछिल आज रोने लगी और अपने पिया से कही, पिया अगर आप हमें छोड़ करके चले जाओगे तो क्या होगा। अरे याद करो उस दिन को जिस दिन अपने शीश पर सहरा धर के और हमें बिहाई के लिए गए। आज रानी बाछिल कहती, पिया अरे जो त्यारे मन में, हे पिया अरे जो त्यारे मन में ओरी योगा की रे पिया काहे को धरो सीरा मोरा। उस दिन की याद नहीं की जब हमें बिहाई के लाए, आज हमें अकेला छोड़ करके बियाबान जंगल जाने की बात करते हो। लेकिन तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे बिन इस आंगन में जिंदा नहीं रहूंगी, इस बाग में ही अपने प्राणों को दे दूंगी। इसलिए अगर आप संत महात्मा योगी फकीर बनोगे तो मैं भी तुम्हारे संग में। हे पिया मैं जोगिने बन जाऊंगी, हाय जोगिने बन जाऊंगी, पिया मैं तो प्यारे संग में चलूंगी। हाय जोगिनी अरे जो ना संग ले जाऊ मेरे सैया, तो क्या करूंगी पता है। अरे जो ना संग ले जाऊ मेरे सैया तो कर जो रिहाई पर जाऊ मैं पैया। ये चेहरों खाए मर जाऊंगी सजना प्यारे संग में चलूंगी। जोगिनी आज रानी बाछिल रोती है बिलखती है बिलाप करती है नौलखा बाग में। अरे भैया पिल्ला नाइप कर रही मैया रोए रही। राजा जेवर सिंह सोचने लगे ये रानी ऐसे नहीं मानेगी,
सभी ब्राह्मणों को सभी संत महात्माओं को दान दक्षिणा दे करके विदा करवाया। आज अपनी रानी वाछिन को साथ में लिया महलों में आ गए, लेकिन राजा जेवर सिंह को नींद नहीं आई। जब रात्रि के 12 बजे अपनी रानी वाछिन को सोता हुआ छोड़ करके बियाबान जंगल में चले आते हैं, एक डेरों की सिज्जावली बनाई और उस पर बैठ करके भगवान का भजन करने लगे। जब रानी वाछिल की आंख खुली, देखा पिया नहीं मिला। आज अपनी पिया की याद में रोती हुई बिलखती हुई भागती है और आकर के उस बियाबान जंगल में अपने पिया को ढूंढने लगी, लेकिन पिया नहीं मिला। इधर तो राजा जेवर सिंह भगवान के भजन में लीन हो गए, इधर रानी वाछिल उस दंडक वन में रोती है, अपने पिया को ढूंढ रही। लेकिन इधर में कजरी वन से बाबा सिद्ध गुरु गोरखनाथ जी चले, अपने चेलाओं को साथ में लिया। और भैया अरे 1400 चेला, अरे संग चलन की करी लई त्यारी रे, चलन की करी लई गोरखनाथ अपने 1400 चेलाओं को साथ में लेकर जब भ्रमण करते हुए चले आ रहे हैं। गड़बड़ ना लला, भ्रमण घूमत में आए रे, और घूमत घूमत जैसे ही उस वन में पहुंचे तो एक मैया के रोने की आवाज सुनी। और क्या हुआ लला प्रदीप? मारोवत मैया पाई रे, तब गुरु ने अरज सुनाई। माप जय हो, ये मारोवत मैया पाई, अरे तब गुरु ने अरज सुनाई। चेला अवगरनाथ से कहने लगे, बेटा इस दंडक वन में कोई मैया रो रही है। आज बाबा चेलाओं को लेकर के जब मैया के पास में आए, जैसे ही रानी वाछिल को रोता हुआ देखा, कहने लगे बाबा गोरखनाथ, मैया क्या बात है, कोई गांव नंगर पास में नहीं, इस बियाबा जंगल में आप क्या कर रही हो, क्यों रो रही हो, क्या आपत्ति विपत्ति है? आज मैया गुरु के चरणों में गिर गई। पता नहीं कि ये संत महात्मा कौन है, कहां से आए हैं, लेकिन मैया ने चरण स्पर्श किए, कहने लगी मेरे पिया इस बियाबान जंगल में आए हैं, लेकिन मेरे पिया मुझे नहीं मिल रहे हैं। उसी समय बाबा गोरखनाथ ने मैया को समझाया, मैया तुम्हारे पिया इस बियाबान जंगल में भगवान का भजन कर रहे हैं, उनके भजन में बाधा मत डालो, आप जाकर के अपने राज्य को चलाओ। सोई मैया समझ गई जो कोई ऐसे वैसे महात्मा ना है। जब इतनी बात सुनी रानी वाछिल रो करके हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज एक बात बताओ, जब तुम्हें पता है कि मेरो पिया इसी बियाबान जंगल में भगवान का भजन कर रहे हो,
तो नेक मेरे पिया के मुझे दर्शन। रानी बाछिल बोली मेरे पिया के मुझे दर्शन कराओ तो मैं जानू कि मेरो पिया इसी वन में है। बाबा गोरखनाथ ने अपनी कला से विद्या से राजा जेवर सिंह के दर्शन मैया बाछिल को कराए। सोई मैया ने चरण पकड़ ले और कहने लगी महाराज तुम कौन दे सते आए होले का साथी दियो बताई तुम कौन दे सते आज रानी बाछिल ने चरण पकड़ लिए बाबा गोरखनाथ के। महाराज कौन हो कहां से आए हो? सोई बाबा गोरखनाथ कहने लगे मैया तुम्हें नहीं पता हम कजरीवन के सिद्ध गुरु गोरखनाथ हैं और ये हमारे सभी चेला हैं। तो महाराज तुम विद्याधारी हो मैं जान गई। गुरुदेव मेरी शादी को 12 साल हो गए कोई बेटा बेटी नहीं। एक बेटा के दुख से मेरो पिया इस बियाबान जंगल में चलो आयो है। हम निर्वंशी होने के कारण बड़े ही दुखी हैं। मेरे पिया की नजर से हमारो बाग सूख गए। मेरो पिया मुझे छोड़ के इस बियाबान जंगल में चलो आयो। गुरुदेव मुझे धीर बधाओ। सोई बाबा गोरखनाथ कहने लगे मैया अब तुम चिंता न करो कछु थोड़ा समय तुम्हारो और खराब है। इस समय आप अपने लंगर को जाओ अपने राज्य को चलाओ साधु संतों को दान दक्षिणा देना किसी भी भिखारी को अपने दरवाजे से निराश मत लौट डालना। और मैया सुनो जिस दिन हम तेरे सूखे नौलखा बाग में आएंगे तब मैया तेरे दुखन को निर्वीरो। बोलिए सिद्ध गुरु गोरखनाथ महाराज की। बोलिए जहरवीर महाराज की। आज बाबा गोरखनाथ मैया बाछिल को समझा करके महलों में भेज देते हैं। इधर राजा जेवर सिंह अपनी तपस्या को बड़े ही प्रेम भाव से आगे बढ़ाने लगे। इधर मैया अपने राज्य को चलाने लगे। बाबा गोरखनाथ के नाम की चिरागी लगाती है भजन पूजा करती है। सभी संत महात्मा जो आते हैं दरवाजे पर सभी को दान दक्षिणा देती है। आज मैया बड़ी खुशी है गुरु के भजन में। और इधर में बाबा गोरखनाथ उस दंडक वन से चल देते हैं। सभी चेलाओं को साथ में लिया और कहां गए भैया कि एक उबल लागो जाई और नाथ दूजे बनाए। लला महेश अरे तीजे वाला पहुंचे जाए दे सहरे आने में आए गए रे दे सहरे आने में। हरियाणा देश में एक छोटा सा नगर था भिवानी। उस भिवानी नगर के पास में एक बगीचा था। उसी बगीचा में सारे चेलाओं को रोका ओगरनाथ से कहीं बेटा चले जाओ इस नगर में और हमारे लिए दूध का भिरचा करके बेटा लियो भिरचाया जो दूध की आस लगते भारी। ओ बेटा आज बाबा गोरखनाथ ने सभी चेलाओं को उस बगीचा में रोका ओगरनाथ को बुलाया कहीं बेटा चले जाओ इस नंगर में जाकर के
और हमारे लिए दूध दान का खर्चा करके लेके आओ। ओगरनाथ ने कही, महाराज दिन के बारे बज रहे हैं, अब कौन सी मैया होगी ताकि घरे दूध मिलेगा? बेटा तुम नहीं जानते, इस नगर में अगर कोई सती सूरमा मैया नहीं होगी तो बेटा वो बस्ती नहीं रहेगी, चले जाओ। ऐसा गांव नंगर शहर सिटी कौन सा है कि ताम एक सती सूरमा मैया ना हो? आपको दूध का दान मिलेगा, चले जाओ। आज गुरु का आदेश पा करके जब उस हरियाणा देश में नगर भिवानी में ओगरनाथ पहुंच जाते हैं तो उस नगर भिवानी में एक कमलावती नाम की मैया जाटनी रहती थी। चुप रहे, जाटनी ना लला मैया, जाटनी जाटों का नगला था। जब मैया के दरवाजे पर डमरू बजायो, सोई मैया ने समझ ली कि मेरे दरवाजे पर कोई संत महात्मा योगी फकीर भोजन की थाली परोस करके आज बैठत जा रही। सोचने लगी ये भोजन जाकर के महात्मा को दे दूं, वो अपने लिए और दूसरे, अगर भोजन को छोड़ के जाऊंगी तो भोजन श्राप देगा, इसलिए यही भोजन में जाकर के संत महात्मा को दूंगी। लेकर के थाली पहुंची, महाराज भिर्चादान ले हमें आशीर्वाद। मैया इसमें क्या है महाराज?